दोस्तों, बाइक्स और ई बाइक्स का इस्तेमाल हर जगह पर होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन तरक्की कर रही है। ऐसे में ये बाइक्स और भी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। तो हमारी आज की ये वीडियो इन्हीं ऑसम एंड कूल ई बाइक्स और कुछ बाइसिकल गैजेट्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग सफ़र को। स्विच, दोस्तों ई बाइक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है और उन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इस गैजेट की हेल्प से आप अपनी नॉर्मल बाइसिकल को ही ई बाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं जब चाहें। गाइस, स्विच दुनिया की स्मॉलेस्ट और लाइट ई बाइक किट है जिससे आप एक नॉर्मल बाइसिकल को कभी भी ई बाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्विच को ईजिली कनेक्ट और रिमूव कर सकते हैं, यानी इससे आप एक नॉर्मल बाइसिकल को एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि अपने बाइसिकल के टायर्स को हटाकर उसकी जगह पे इसका मोटर व्हील लगाना होगा, जिससे ये किट पावर भेजती है, जिसके बाद आपकी बाइसिकल पहले से ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी, जिसके बाद आप इजीली ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ सकते हैं। वाओ दोस्तों, अब इस पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक को जब आप देखेंगे तो ये आपको काफ़ी यूनिक और अमेजिंग लगेगी दूसरी बाइक्स के मुकाबले। इस ई बाइक में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, जैसे कि इसके हैंडल पर मौजूद इसकी लार्ज कलर डिस्प्ले को ही ले लीजिए। आप इसे पेडल मोड के अलावा पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोड में भी चला सकते हैं। ये ई बाइक काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में आती है, तो आप अपने फेवरेट कलर को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सिक्योरिटी सिस्टम दूसरी बाइक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है। एक क्लिक करते ही ये लॉक हो जाती है और इसके अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, पावर से लेकर ड्यूरेबिलिटी और सिक्योरिटी और भी बहुत से ऐसे एडवांस फीचर्स आपको इस एक ही बाइक में देखने को मिल जाएंगे। परीना 2, दोस्तों मिली है हाइपर स्मार्ट इलेक्ट्रिक बाइक से जो कि हर तरह से आपके मूव करने के तरीके को बदल सकती है। अपने इनोवेटिव डिजाइन के साथ आने वाली ये ई बाइक फुल फीचर्स पैक्ड होती है। यह कार्बन फाइबर से बनाई गई है, जिसके चलते यह बहुत ज्यादा अल्ट्रा लाइट वेट हो जाती है, लेकिन फिर भी रहती है स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल। इसके मैग्नीशियन रिंग्स लुक्स में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। यह काफी फास्टर होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्टेबल भी रहती है एंड इसे राइड करते समय आप इसकी स्मूथनेस को फील कर सकते हैं। इसके अलावा इसे आप इसकी ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इस ई बाइक को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना देती है। और इसकी ऐप में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप कितनी दूर गए और कहां कहां पर गए। तो गाइज, इसके फीचर्स काफ़ी एडवांस है और ये स्पॉट लुक ई बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। प्रो अल्ट्रा लाइट ग्रेवल ई बाइक, दोस्तों जैसे हर एक बाइक की अपनी कुछ खास फीचर्स होते हैं, तो क्रो भी एक अल्ट्रा लाइट ई बाइक है जिसे डिजाइन किया गया है हर तरह के राइडर के लिए। ये ई बाइक लाइट वेट होने के साथ साथ काफी ड्यूरेबल भी होती है। आपको इसे चलाने के लिए बस इसकी बैटरी को चार्ज कर लेना होगा और फिर उसे लगा लेना होगा इस ई बाइक में। आपको इसमें पेडल असिस्ट के 3 लेवल्स मिल जाएंगे, यानी आपको जितनी भी पावर की जरूरत हो आप उसे इजीली ऐड कर सकते हैं और लुक्स वाइज ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। एयर 33, दोस्तों जहाँ दूसरी बाइक्स होती है थोड़ी सी बड़ी, तो एयर 33 उनके मुकाबले थोड़ी सी छोटी और फोल्डेबल ई बाइक है एंड ये भी होती है अल्ट्रा लाइट वेट। इसे आप 3 अलग अलग वे में राइड कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल पेडलिंग यानी नॉर्मल तरीके से, दूसरा तरीका है इसका हाइब्रिड पेडल असिस्ट, और तीसरा तरीका है इसे आप पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड में चला सकते हैं, जिससे आपको पेडल का यूज नहीं करना पड़ेगा। इसकी बैटरी रिमूवल होती है, इसके चलते आप इस ई बाइक से हटा भी सकते हैं और अलग से उसे चार्ज भी कर सकते हैं। इसकी यूनिक 2 स्टेप्स फोल्डिंग के कारण इसे आप 2 पॉइंट्स पर से फोल्ड करके कैरी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एयर 33 आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेलफास्ट, दोस्तों अगर आपको एक ऐसी ई बाइक चाहिए जिसकी ट्रेवल रेंज सबसे ज़्यादा हो, तो इंट्रोड्यूसिंग डेलफास्ट एडवांस ई बाइक। गाइज, इस बाइक को एक बार फुल्ली चार्ज करने के बाद यानी सिंगल चार्ज में यह 380 किलोमीटर तक रन कर सकती है, जो कि एक कमाल की बात है। इसमें भी आपको फुल इलेक्ट्रिक और पेडल एडजस्ट मोड मिल जाएंगे, साथ ही GPS ट्रैकिंग, अलार्म, रिमोट स्टार्ट और भी ऐसे काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसके कारण इसकी सिक्योरिटी भी एक नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। इसमें आगे टर्न सिग्नल के साथ साथ हाई इंटेंसिटी हेडलाइट्स भी दी गई है, जो कि विजिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है।
सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की फ्यूचर अपडेट समय समय पर पाने के लिए मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।